आई कल पाचल लाइन में मरिया पाचल आई गए न्यू ब्लॉग लास्ट ब्लॉग देखे होंगे आप लोग नाइट में दर्शन की थी केदारनाथ बाबा के। तो अभी मॉर्निंग हो गई है, समय हो रहा है सुबह के 8:30। तो अभी चलते हैं और सामने देखिए काफी ज्यादा व्यू ब्यूटीफुल और लाइन में लगे हुए श्रद्धालु। मैं रात में 12 बजे दर्शन कर ली थी। प्रसाद कैसे दे रहे हैं? प्रसाद 50 का है, 100 का है, 150 का है, 200 का है, 250 का है। ये कितने की है? ये 200 रुपीज। 200 क्या क्या है इसमें? मैं बताता हूँ, इसमें माता की चुन्नी है, आप टच करके मन्नत के साथ बाहर बांधो या घर लेके जाओ। माता रानी के लिए सिंगार है, भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र है इसके अंदर। अच्छा अच्छा है। और ये जनेऊ है भोलेनाथ जी के लिए, छोड़ना है। धूप है, धूप है, ATM है केदारनाथ बद्रीनाथ का सिक्का। और ये प्रसाद सिक्का क्या चीज का है? सिक्का ये निशानी होती है यहाँ केदारनाथ की, घर में पूजा में, अच्छा, में गिफ्ट में देने के काम आता है। और ये प्रसाद है। नारियल नहीं मिलता यहाँ? अलग सिंगल नारियल हा? कैसे मतलब इसी में पैकेज में नारियल? अच्छा अच्छा, नारियल भी प्रसाद ले लेते हैं। काफी मस्त कैरी बैग है इनका और रेट सुनोगे तो भाग जाओगे यहाँ से यार भाई। ये 200 का है, ये 300 या 400 कुछ समथिंग का है कुछ ऐसा। मतलब यार ऊपर से लाते हैं ना ये घोड़े पे, पूरा महंगा महंगा यहाँ पे बरसाते हैं। इनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि घोड़े से लेकर आते हैं पूरा। आगे चलते हैं और लाइन काफी बड़ी लगी है। हर हर महादेव बरसात ले लिए हैं। जिनको भी बरसात खाना है मेरे घर आ जाना, ठीक है, मैं खिला दूंगी भर भर के, झोला भर के लेकर आ रही हूँ आप लोग के लिए। तो आ जाना मेरे घर पे। और रात में खूब ठंड थी यहाँ, -2 में चली गई थी। लाइन लगूंगी तो काफी लेट हो जाएगा क्योंकि मैं रात में दर्शन कर ली थी अंदर जा करके। आप लोग यकीन नहीं होगा, 5100 का टिकट करता है अंदर जाने का, रुद्र अभिषेक करने का, मतलब महादेव को स्पर्श करने का ऐसा। मैं बिना टिकट के अंदर घुस गई थी। चलो चलो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। रात में अंदर गई थी, आज सुबह फिर से महादेव के दर्शन। अंदर आ गई हूँ अभी। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं, काफी शानदार दर्शन, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। आनंद आ गया देखकर, आनंद आ गया यार, मजा आ गया। ये देखिए इधर भीमशिला पत्थर और मैं खाली पैर हूँ, मेरा पैर पूरा सुन हो गया है। ये हमारे बाबा लोग बैठे हैं। मैं पहले वो पहन लेती हूँ, उसके बाद मेरे जान में जाना आएगा। पैर सुन हो गया बहुत ज्यादा वाला। खाली अच्छे से दर्शन हो गए हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इधर भीमशिला पत्थर साइड जाएंगे अपन, और जो मेरे साथ आए हुए थे उन लोग पता नहीं कहाँ हैं, बिछड़ गए हैं। और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, जब से खड़ी हूँ एक ही जगह पे खड़ी हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। और घर पे लाइन टू लाइन सबको वीडियो कॉल कर रही थी, सबको लाइव दर्शन करा रही थी, बहुत लोगों को काफी मजा आया। हर हर महादेव। भीमशिला जो पत्थर है उसके दर्शन कराती हूँ आप लोग को। जब आपदा आया था, आप लोगों को पता होगा पूरा हिस्ट्री यहाँ के बारे में, जब आपदा आया था तो यही पत्थर इस मंदिर को बचाया था।
मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। भीमशिला पत्थर जिसे दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ, एक घंटा से भी ज्यादा यहाँ पे मैं खड़ी थी एक ही जगह पे, वीडियो कॉल पे वीडियो को लोगों को दिखा रही थी व्हाट्सएप पे। आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहा तो फिर आएंगे बाबा के दरबार में। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, मैं क्या बोलूँ अब, लेकिन चलते हैं, फिर आना होगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। हम लोग जा रहे हैं, अब नीचे उतर रहे हैं, टाइम हो रहा है 12:30 और 6-7 घंटे लगेंगे नीचे उतरने में। और पीछे हमारे महादेव, सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो बाबा के दरबार में फिर से जरूर आएंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो वीडियो को यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।